कई सालों तक चली कई दौर की बातचीत और भारतीय सरकार से कई तरह के इंसेंटिव्स मिलने के बाद इलेक्ट्रिक कार जाइंट टेस्ला ने पिछले साल भारत में एंट्री मार ली थी। कोविड-19 क्राइसिस के बीच पिछले साल टेस्ला ने अपनी इंडियन यूनिट को टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर करवा लिया था। उसी दिन से भारत के कई सारे लोग भारत में पहली टेस्ला कार लॉन्च होने का बेहद बेसब्री से वेट कर रहे हैं। हाइप तो वैसे टेस्ला की पहली कार के आने से पहले ही भारत में काफी ज्यादा बन चुकी है, जिसको देखते हुए लग रहा है कि टेस्ला कंपनी अगर भारतीय कस्टमर के अकॉर्डिंगली प्राइस सेंसिटिव इंडियन मार्केट के लिए अगर सही रेंज में एक अच्छी कार लॉन्च करती है तो चाइना वाली सक्सेस टेस्ला भारत में भी दोहरा सकती है। वैसे जो लोग टेस्ला इलेक्ट्रिक कार के बारे में कोई अपडेट चाहते हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले महीने 1 सितंबर को ये खबर आई थी कि भारत की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने टेस्ला कार के 4 मॉडल्स को भारत की सड़कों पर दौड़ने की परमिशन दे दी है, जिसका मतलब है कि टेस्ला के 4 मॉडल्स भारत में जल्दी लॉन्च किए जा सकते हैं। वैसे टेस्ला ही नहीं बल्कि डोमेस्टिक प्लस फॉरेन सभी कार मैन्युफैक्चरर्स को भारत में लॉन्च से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है, लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स जाइंट टेस्ला जो कि भारत में कई बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, वो भारत में अपनी ये कार्स लॉन्च कर पाती उससे पहले ही भारत के रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने टेस्ला और इलॉन मस्क को चेतावनी दे दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक नितिन गडकरी साहब ने टेस्ला को ये कह दिया है कि टेस्ला मेड इन चाइना कार्स भारत में नहीं बेचे, उसको भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए जो भी सहायता चाहिए होगी वो सब कुछ उसको दी जाएगी और भारतीय सरकार भी उसके साथ पूरी तरह कोऑपरेट करने के लिए रेडी है, लेकिन टेस्ला को भारतीयों के लिए भारत में मैन्युफैक्चर टेस्ला कार्स बेचनी होंगी। नितिन गडकरी साहब ने पिछले कल इस बात की जानकारी दी और बताया कि उन्होंने टेस्ला कंपनी से कहा है कि वो ना सिर्फ भारत में कार्स मैन्युफैक्चर करके भारत में बेचे बल्कि यहाँ से वो दुनिया के बाकी देशों को भी एक्सपोर्ट करे। इसके साथ नितिन गडकरी साहब ने यह भी बताया कि टैक्स कंसेशन को लेकर टेस्ला कंपनी के अधिकारियों के साथ उनकी अभी भी बातचीत चल रही है, लेकिन हमने टेस्ला कंपनी के अधिकारियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए कह दिया है। दरअसल टेस्ला कंपनी का चाइना में दुनिया में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में से एक प्लांट है, जहां से टेस्ला कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक कार्स दुनिया के कोने कोने में एक्सपोर्ट करती है। टेस्ला कंपनी चाहती थी कि वो चाइना वाले अपने प्लांट से भारतीय मार्केट के लिए भी कार इम्पोर्ट करवाए, लेकिन भारतीय सरकार ने कार्स के इम्पोर्ट पर इम्पोर्ट की जाने वाली कार की कीमत इंजन और इंश्योरेंस के आधार पर 60-100% के बीच कस्टम ड्यूटी थोपी है, ताकि डोमेस्टिक कार मैन्युफैक्चरर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके और कार मैन्युफैक्चरर्स भारत में ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करें। टेस्ला कंपनी चाहती है कि क्योंकि वो भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी क्लीन एनर्जी व्हीकल्स इंपोर्ट करवा रही है जो भारत में क्लीन और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देगा, इसलिए भारतीय सरकार टेस्ला को विदेशों से कार्स इंपोर्ट करवाने में कंसेशन दे। इसको लेकर टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क ने एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो भारत में भी टेस्ला को जल्द से जल्द लॉन्च करना चाहते हैं, मगर भारतीय सरकार की इंपोर्ट ड्यूटीज दुनिया में सबसे हाई हैं। दरअसल भारतीय सरकार चाहती है कि टेस्ला चाइना की तरह ही भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करे, ना कि अपनी कार्स चाइना से भारत में इंपोर्ट करे। बेशक टेस्ला स्टार्ट छोटे से असेंबली प्लांट से ही करे, जिसको बाद में स्केल अप किया जा सकता है, लेकिन टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार्स मेड इन इंडिया होनी चाहिए ताकि भारत से फिर इनको एक्सपोर्ट भी किया जा सके। यही चीज रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने पिछले कल पब्लिकली भी बोल दी, यानी अगर टेस्ला जिद पर अड़ा है तो फिर भारतीय सरकार भी इस मुद्दे पर झुकते नहीं दिखाई दे रही है। बस टेस्ला या फिर कोई इलेक्ट्रिक कार्स ही नहीं, भारतीय सरकार और भी कई सारे प्रोडक्ट्स का चाइना से इंपोर्ट कम करना चाहती है, क्योंकि चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट हर साल काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण हमें हर साल कई सारे बिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ता है। टेस्ला को कार्स इंपोर्ट करने में कंसेशन देने से भारत के इंपोर्ट्स और ट्रेड डेफिसिट दोनों ही बढ़ने वाले हैं और कुछ नहीं। खैर, वैसे अगर टेस्ला भारत में चाइना से इंपोर्ट करवाकर कोई मेड इन चाइना कार भारत में बेचती है तो क्या आप उसको खरीदेंगे, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।